आदेश क्या कारण है अच्छे घर बताना सर? वो मतलब घर पे वजह था, मतलब ऐसा था जैसे भाई है, मतलब उसे पहले मतलब बहन बहन भी बोल रहा था घर पे हमारे सामने, तो उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया था जिसने, तो उसके बाद कोर्ट मैरिज करके चला गया था जिसके बाद वो घर पे आ गया था 18 तारीख को जी, उसके बाद वो छोड़ने के लिए गया उसे, तो उसका करके था। घर तो पहली बार किस तरह से किया? किस तरह से किया? गला दबा के। गला दबा, फिर उसके बाद गड्ढा खोद कर डाल दिया गड्ढे में। उसी दिन मार दिया था? नहीं, ये रिश्ता कबूल नहीं था, दोस्ती में दगा की गई थी। हाँ जी, दोस्ती में दगा थी। जान पहचान कैसे हुई थी उससे? उससे जान इसका दोस्त वहाँ की लड़की थी जी, मतलब उसकी गोयले की, तो उसकी फ्रेंड थी जी मेरी बहन की, दोस्त थी, तो उसके साथ पेपर देने के लिए गई थी जी यहाँ पर डोगर। क्या पछतावा जी? पछतावा क्या खुलासा किया? 18/19 की रात्रि में एक कुटवा गांव की एक लड़की ने अपना ये थाने पहुँच कर ये FIR लिखाई गई थी कि उसका पति जो कि उसकी मायके में आया हुआ था, वहाँ पर उसके सगे भाइयों ने, दो सगे भाइयों ने और दो मामा कुआ के लड़कों ने उसके पति का अपहरण कर लिया, और उन्हें ये भी आशंका जताई थी कि कहीं ऐसा ना हो उसकी हत्या कर दी जाए। इस पर पुलिस द्वारा तत्काल FIR लिखकर कार्रवाई की गई और मृतक का शव गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में जो कि कल्लू का था उसमें उससे बरामद किया गया। डेड बॉडी उसे मारकर उसके लगभग 5 फीट नीचे दबाई गई थी और उसमें पानी चला दिया गया था। इसके उपरांत अभियुक्तों की तलाश की गई और अभियुक्तों में से दो गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक जो लड़की है जिसने FIR लिखाया था उसका सगा भाई है और एक उसके मामा का लड़का है। इसमें ये बात सामने आई है कि जो सोनिया नामक लड़की है जो कि वादी है, उसने एक अंतर्जातीय विवाह बागपत एक लड़के से किया था और दोनों के दोनों पति पत्नी बॉम्बे में रह रहे थे, वो बॉम्बे में सर्विस करता था। कुछ दिनों पूर्व इसकी सोनिया की जो नौकरी थी वो लग गई थी और अमरोहा में करने लगी थी, कुछ दिनों पूर्व ये शामली अटैच होकर आए और अपने जो मायका है उसमें रहने लगी। ये लड़का घटना के दिनांक को अपनी ससुराल में आया था और इनमें और उसके जो साले हैं उनमें आपस में कुछ हॉट टॉक हुई लेकर, और उसी पर ये उसका अपहरण करके ले गए और बाद में उसकी हत्या कर दी। यही इसका मेन मोटिव था, जिनमें दो गिरफ्तारी हुई है और बाकी शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबी जा रही है। जो आरोपी पकड़े गए उसमें कोई नेशनल शूटर भी है? हाँ, इसमें एक लड़का शूटिंग करता है और अभी वो प्रोसेस में था आगे बढ़ने की। हत्या अभी जो हत्या की गई वो गला दबाकर की गई थी और गला दबाकर हत्या करने के उपरांत उसे जमीन में लगभग 5 फुट नीचे कर दिया गया था गन्ने के। ठीक है।